स्टूडेंट्स हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के ऑक्साइड्स देख लेते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद सम अदर एलिमेंट। यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ देखेंगे? विद क्लोरीन, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्लोरीन जो है ये हमारे पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। जिस तरह से ये -1 तो कॉमनली शो करता ही है, इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव में भी कुछ वैल्यूज शो करता है, ठीक है। इस तरह पॉजिटिव हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 भी शो कर सकता है ये, ठीक है। इसी तरह +7 तक भी ये शो करता है। बहुत वैरायटी ऑफ हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। तो अब यहाँ पर ऐसे करते हैं कुछ, इसी वजह से हमारे पास वेरियस हम देखते हैं कि क्लोरीन के ऑक्साइड्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जिस तरह क्लोरीन के ऑक्साइड्स में से हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी कि ClO2, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? क्लोरीन ऑक्सीजन की -2, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन की क्या होगी? -4 हो जाएगी, और यहाँ क्लोरीन की क्या होगी? +4 हो जाएगी इन रिटर्न, ठीक है। देखिए यहाँ +4 आ गई, तो क्लोरीन की ऑक्साइड एक और पता चली, +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह ये आ गई, इसी तरह हम यहाँ पे और देखते हैं ऑक्साइड्स। यहाँ पर और ऑक्साइड्स कौन से आ जाएंगे? क्लोरीन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, यानी कि हम कहते हैं Cl2O, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगा ClO, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर देखें ये -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा +1 प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे +1 into 2, यानी कि एक क्लोरीन की क्या आ रही है? +1 आ रही है, तो +1 भी आती है। इसी तरह यहाँ पर देखिए कि -2 है और दूसरे की फिर +2 आ रही है, तो यहाँ पर देखिए +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर मजीद ऑक्साइड्स देख लेते हैं कि और हमारे पास ऑक्साइड्स कौन कौन से होंगे। इसी तरह क्लोरीन डाइऑक्साइड था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड था, क्लोरीन ट्राईऑक्साइड भी होता है, ठीक है, ClO3, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन टेट्राऑक्साइड और बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड की बात की है तो यहाँ पर हमारे पास और भी आ जाते हैं, जिस तरह डाइक्लोरीन हम देखते हैं डाइऑक्साइड O2, ठीक है, इस तरह भी आ जाते हैं। इसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। एक फॉर्म ये आ गई, दूसरी फॉर्म देख लेते हैं। एक हमारे पास होती है, हम क्लोरीन लिखेंगे और साथ में क्लोरीन लिखेंगे और साथ ऑक्सीजन, इस तरह से आ जाएगा। और तीसरा इसमें ऑक्साइड, इसी की एक और फॉर्म आ जाएगी, यानी कि डाइक्लोरीन डाइऑक्साइड की हम 3 फॉर्म्स देख रहे हैं। और तीसरी हमारे पास आ जाएगी क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन। ये इनकी बॉन्डिंग पे है, किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से लिंक हुए हैं या बॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी हमारे पास इसी तरह डाइक्लोरीन करके आ जाएगा डाइक्लोरीन, फिर हमारे पास ट्राईऑक्साइड भी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास आगे जाके हम कहते हैं जी इवन डाइक्लोरीन टेट्राऑक्साइड भी आ जाएगा, डाइक्लोरीन हेक्सऑक्साइड भी आ जाएगा। और हम देखते हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, तो हम देखते हैं हमारे पास डाइक्लोरीन हेप्टऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मौजूद होता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो देखिए -2 आ गई एक ऑक्सीजन की, -2 into 7 -14, और यहाँ पे एक क्लोरीन की कितनी होगी? +7 होगी, और +7 into 2 +14, तो एक क्लोरीन की +7 भी आ रही है। हम कह रहे हैं -1 आ रही है तो +7 तक भी वो शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आ जाती हैं। यहाँ से भी हम दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखी। अब ऐसे करेंगे हम कुछ ही की, यहाँ पर क्या करेंगे कि 2-3, यहाँ पर हम 2-3 की प्रिपरेशन भी देख लेंगे, ठीक है, या उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक हमारे पास आ जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड है। ये क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है इसकी अगर हम बात करें ClO2, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। वैसे ये हमारे पास येलो टू ऑरेंज गैस होती है, ठीक है, और इसका सोल्यूशन भी आ जाता है। लेकिन ये जो रूम टेम्परेचर पे, या हम कहते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये एग्जिस्ट करती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर या स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो वो ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जिस तरह से ये हमारे पास आ गई, तो ये टेस्ट ट्यूब में हमारे पास नीचे क्लोरीन डाइऑक्साइड का सोल्यूशन है, ठीक है, येलो हिस्सा देखें है। और ये जो हमारे पास यहाँ जो हम देख रहे हैं कलर हुआ हुआ, ये कलर नहीं है बेसिकली, ये क्या है? ये इसके वेपर्स या इसकी गैशियस स्टेट में, येलो गैशियस स्टेट है किसकी? क्लोरीन डाइऑक्साइड की, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं। अगर लैब में इसको प्रिपेयर करना हो तो हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? हम इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हम पोटेशियम क्लोरेट यूज करें KClO थ्री, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट यूज करें और उसको हम क्या करें, किससे रिएक्ट करवाएं, हम एसिडिक कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, और साथ में हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड भी हो, H2C2O4 होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास COOH आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये लिंक होगा COOH, यानी कि ठीक है इसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। और इसका अगर रिएक्शन देखें तो हमारे पास इंटर्न क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पोटेशियम सल्फेट आ जाता है, पोटेशियम सल्फेट आ गया, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड बन जाती है, गैस आ जाती है। इसी तरह हमारे पास मजीद जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है और साथ में हमारे पास वाटर भी यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्योंकि यहाँ दो पोटेशियम है, चलिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन भी है तो इसलिए यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मजीद यहाँ पर एक और लैब में प्रिपेयर करने का एक तरीका देखेंगे और इसमें हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड NaClO, ठीक है, NaClO2, ठीक है, ये यूज करते हैं और इसका हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है प्लस सोडियम क्लोराइड भी जो है वो एज बाय प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। ये भी हम लैब में प्रिपेयर करने का तरीका देख रहे हैं और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को। सॉरी, यहाँ पर ये H नहीं है बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लोरीन गैस यूज कर रहे हैं तो क्लोरीन गैस पास करवाते हैं किसमें से, सोडियम क्लोराइड में से जो है वो हम पास करवाते हैं और क्लोरीन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस बनती है और सोडियम क्लोराइड आ जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो यहाँ पर 2 लगाए थे, 4 क्लोरीन हो गए, अब एक 2 यहाँ लगाएं, एक 2 यहाँ लगाएं, ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। फिर हम मेजॉरिटी स्केल पे यानी कि 95% ऑफ जो क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पल्प होता है, वुड पल्प होता है, उसको ब्लीच जो करते हैं वो वाला प्रोसीजर यूज होता है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि अगर उसका प्रोसीजर देखें तो होता यह है कि जो हमारे पास क्लोरेट होता है, ठीक है, हम क्लोरेट लेते हैं और उसका हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन में उसका जो है वो हम रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होंगे, यानी कि जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट कर हमने लिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयंस होकर और क्लोराइड आयंस हो गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है, साथ क्लोरीन गैस रिलीज होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वाटर भी बनता है, ठीक है, ये वाटर भी आ गया। तो इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि 2 लगा देते हैं तो 4 क्लोरीन हो गए, अब एक 2 यहाँ लगाएंगे, एक 2 यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 to 2 6 है और यहाँ पर जस्ट 4 तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन बैलेंस करने की सूरत में हमारे पास 4 हाइड्रोजन होंगे तो चलो यहाँ 4 लगा दिया, तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन आ गई और ये मेजॉरिटी स्केल पे हम 95% ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड जो बनती है मेजॉरिटी स्केल पे जो बनती है वो इसी तरह हम बनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इस तरह बनती है, यानी कि हमने क्या की, ब्लीचिंग की है किसी वुड पल्प की, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लोरीन हेप्टोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। Cl2O7 ये भी हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड आ जाता है, ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन आ जाता है। डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड जो हमारे पास है Cl2O7, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लोरीन का ऑक्साइड आ जाता है। इसको अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होता है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है, जो कि हमारे पास आ जाता है परक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला HClO4, ठीक है, परक्लोरिक एसिड। इसको अगर हम देखें, ये जो है ना, ये हमारे पास इसका एनहाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास Cl2O7 यानी डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड आ जाता है, ठीक है। यानी कि हम कहते हैं कि इसको अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देख लें कि क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करेंगे, यानी कि P2O5, यानी कि हमारे पास फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड मौजूद है, ये हम यूज करेंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत लो टेम्परेचर पे भी ये हो जाता है, यानी कि बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी -10 डिग्री सेल्सियस तक भी ये टेम्परेचर हम तक के टेम्परेचर पे भी हम ये कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड बन जाता है Cl2O7। और साथ में हमारे पास क्या बनता है, साथ में हमारे पास बनता है और साथ यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। हम देख रहे हैं ये जो है वो इसकी एनहाइड्रस फॉर्म है। ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म आ गई किसकी, परक्लोरिक एसिड की। ठीक है ना, और इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो फॉस्फोरस हैं तो चलिए यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 6 हो गए तो चले यहाँ 6 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 6 क्लोरीन हो गए तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बैलेंस हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो 5 ऑक्सीजन है, 4 × 6 24 + 5 29, 7 × 3 21 आ गए और यहाँ से 4 × 8 आ गए तो ये हमारे पास 29 ही ऑक्सीजन भी आ गए। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड को। एक और ऑक्साइड की यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रेपरेशन देख लेते हैं। डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी प्रेपरेशन देख लेते हैं। इसकी प्रेपरेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्लोरीन गैस होती है वो पास करवाते हैं किस पे से, सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास आ जाता है Na2CO3। ठीक है, 2 थोड़ा सा सही करके लिखते हैं Na2CO3। इसमें से पास करवाते हैं क्लोरीन गैस तो हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग को बहुत हाई देना पड़ता है, नहीं 150 डिग्री से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना पड़ता है। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड आ जाती है, साथ में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, इस इक्वेशन को देख लेंगे, ये हमारे पास बैलेंस नहीं है। हम इसको बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं 2 सोडियम है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो इसके लिए यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, और ये इक्वेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ ऑक्साइड देखे जैसे कि डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इनकी प्रेपरेशंस देखी किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। हमने देखा इनमें से कोई सा भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन की बात की, कुछ क्लोरीन के ऑक्साइड्स को डिस्कस किया जैसे कि क्लोरीन डाइऑक्साइड, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, डाइक्लोरीन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड एंड सो ऑन।